तो हम लोग पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन और हमारा आज का टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग आज बात करेंगे अबाउट मेल सेक्स ऑर्गन, इनके स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशंस को समझेंगे और इनके कुछ बेसिक फंक्शंस देखेंगे जिसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी में लोकेटेड कहाँ है, कहाँ पे सिचुएटेड है, इसके लिए आप एक छोटी सी बात समझिए। जब हम लोग क्लास 11th में एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है एनिलिड से और हमारे बॉडी में भी सेगमेंटेशन होता है। हमारी बॉडी भी डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड होती है, जैसे कि हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमिन। तो ये हो गया हेड और ये जो नीचे का पोर्शन है इसमें बीचों बीच यहाँ पे एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। उसके ऊपर वाले इस रीजन को हम लोग बोलते हैं थोरैक्स और इसके नीचे वाले रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, डायाफ्राम के नीचे वाले रीजन को क्या बोलते हैं, एब्डोमिन। और एब्डोमिन के नीचे जो लोअर मोस्ट पोर्शन है बॉडी का उसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक रीजन। तो हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमिन, फिर नीचे वाला जो लोअर मोस्ट पोर्शन है बॉडी का इसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक रीजन या पेल्विस रीजन। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये लोकेटेड होता है पेल्विस रीजन में। तो लोकेशन आपको समझ आ गई होगी कि कहां पे लोकेटेड है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पेल्विस रीजन में, एब्डोमिन के नीचे लोअर मोस्ट बॉडी पोर्शन पे लोकेटेड होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझिए। मैंने आपको बताया था जब क्लास 11th में स्केलेटल सिस्टम पढ़ाया था तो बताया था हमने आपको कि पेल्विक गर्डल, यहां पे दो कॉक्सा बोन्स प्रेजेंट होती हैं जो इस तरीके से आकर के एसोसिएट होती हैं और यहां पे बीच में कैविटी बनती है, इस कैविटी को हम लोग बोलते हैं पेल्विक कैविटी। इनफैक्ट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड ओवर हियर इनसाइड दिस पर्टिकुलर कैविटी जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेल्विक कैविटी। तो अभी आपको एक बहुत कॉमन बात समझ आ गई होगी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बॉडी में किस पर्टिकुलर रीजन पे लोकेटेड है या सिचुएटेड है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि पेल्विस रीजन में, पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम पूरे के पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मेल सेक्स ऑर्गन्स को, फॉर आवर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी को मैं यहां पे लिख रहा हूं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या इसी को हम लोग बोल देते हैं गोनेड्स बोल देते हैं। तो हमने आपको बताया कि एक कैटेगरी हो गई प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की या इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, गोनेड्स बोल रहे हैं, और दूसरी कैटेगरी हो गई मेल सेक्स ऑर्गन्स की जिसको हम लोग बोल देते हैं सिंपली सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। तो मैंने आपको बताया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं, इन सारे ऑर्गन्स को ब्रॉडली हम लोग दो मेन कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दे रहे हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या गोनेड्स और दूसरा कौन सा, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दोज ऑर्गन्स विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गेमीट्स, वो ऑर्गन्स जो डायरेक्टली गेमीट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गेमीट, इनको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनेड्स। और मेल के केस की अगर हम बात कर रहे हैं तो गोनेड्स आर टेस्टीज जो कि वन पेयर होगी या फिर कह सकते हैं टू इन नंबर होगी। तो मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनेड्स वो होंगे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होंगे इन द प्रोसेस ऑफ गेमीट प्रोडक्शन, जो डायरेक्टली गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, सेक्स का गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर क्या बोलेंगे, गोनेड्स। और मेल के केस में गोनेड्स कौन है, टेस्टीज हैं जो कि वन पेयर है या टू इन नंबर है। अब टेस्टीज के अलावा जो अदर सेक्स ऑर्गन्स हैं, अदर मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं जो डायरेक्टली गेमीट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व ना होकर के किसी दूसरे वे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हेल्प करेंगे, असिस्ट करेंगे, उन ऑर्गन्स को, उन सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो दो मेन कैटेगरी हो गई, एक वो ऑर्गन्स की जो डायरेक्टली गेमीट प्रोड्यूस करेंगे या डायरेक्टली गेमीट प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे उनको हम लोग बोलेंगे गोनेड्स, और दूसरी उन सेक्स ऑर्गन्स की कैटेगरी हो गई जो
गेमीट प्रोड्यूस ना करके, डायरेक्टली गेमीट प्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व ना होकर के किसी दूसरे तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को क्या करेंगे, असिस्ट करेंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। जैसे कि ये गेमीट्स को स्टोर करेंगे, स्टोरेज में हेल्प करेंगे, गेमीट के मैचुरेशन में हेल्प करेंगे, इनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, यानी कुछ भी करेंगे लेकिन ये गेमीट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को असिस्ट करेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को भी 3 ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के लिए। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी हो गई एसेसरी डक्स की, तो पहली कैटेगरी हो गई जिसमें ढेर सारी कुछ एसेसरी डक्स आएंगी। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने यहां पे लिख रहा हूं, जैसे रीटे टेस्टीज, जैसे कि वासा इफ्रेंसिया हो गया, जैसे एपिडिडाइमिस हो सकता है, और जैसे कि वॉस डिफरेंस हो गया आपका। तो रीटे टेस्टिस, वॉसा इफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस और वॉस डिफरेंस हो गया, तो ये कुछ एसेसरी डक्स हैं जो स्टोरेज में, मैच्यूरेशन में और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमेट्स में क्या करेंगी, ये हेल्प करेंगी, यानी कि ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स को असिस्ट कर रही हैं, ना कि ये गैमेट्स प्रोड्यूस कर रही हैं। तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हो गए। दूसरी कैटेगरी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की, दूसरी कैटेगरी हो सकती है कुछ एसेसरी ग्लैंड्स, कुछ एसेसरी ग्लैंड्स आ जाएंगी इसमें। एसेसरी ग्लैंड्स में 3 इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स के नाम हम लोग याद रखेंगे, इनको हम लोग डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, इसी तरीके से जैसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड हो गया, और जैसे कि सेमाइनल वेसाइकल हो गया। तो ये सिंगल होंगी, ये पेयर में होंगी, ये पेयर में होंगी, ये एक होगी, ये दो होगी, ये दो होगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एसेसरी ग्लैंड्स हो गई जो कि कुछ सिक्रेशंस प्रोड्यूस करेंगी और सीमेन फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करेंगी। तो ये भी डायरेक्टली गेमीट ना प्रोड्यूस करके कुछ इंपॉर्टेंट सिक्रेशंस प्रोड्यूस कर रही हैं जो कि सीमेन के फॉर्मेशन में क्या कर रही हैं, कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो ये भी क्या हो गए, ये लुब्रिकेशन में भी हेल्प करेंगी, तो ये भी क्या हो गए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हो गए। इसी तरीके से हम तीसरी कैटेगरी पे अगर आएं तो तीसरी जो कैटेगरी हो जाएगी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की, वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया हो जाएगा, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे कि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन जो है, ये जो एट टाइम ऑफ कॉपुलेशन सीमेन को या स्पर्म को ट्रांसफर करने में हेल्प करेगा इनसाइड द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, यानी कि इनसेमिनेशन में हेल्प करेगा। तो ये गैमेट्स ना प्रोड्यूस करके ये गैमेट ट्रांसफर यानी इनसेमिनेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो ये भी कौन सी कैटेगरी में आ जाएंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ये बेसिक बात हमें समझ आ गई कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं इनको हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर पा रहे हैं, एक उन सेक्स ऑर्गन्स की कैटेगरी जो डायरेक्टली गैमेट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं, जो डायरेक्टली गैमेट प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, जो डायरेक्ट गैमेट्स प्रोड्यूस या फॉर्म कर रहे हैं, उनको हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनेड्स, जैसे कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। और दूसरा सेक्स ऑर्गन हो गया, दूसरी कैटेगरी हो गई सेक्स ऑर्गन्स की, जो डायरेक्टली गैमेट ना प्रोड्यूस करके, डायरेक्टली गैमेट प्रोडक्शन में इन्वॉल्व ना होकर के ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को असिस्ट करेंगे, जैसे कि मैचुरेशन, स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म में हेल्प करेंगे, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स के 3 मेन कैटेगरीज हो गई, मैंने आपको बताया कि एसेसरी ग्लैंड्स में जैसे कि ये एसेसरी डक्ट्स, जैसे कि ये आगे जो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और मैचुरेशन में हेल्प करेंगे, एसेसरी ग्लैंड्स हो गई ये 3 इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया कि ये सिंगल होगी, ये दो होगी, और ये कुछ लुब्रिकेटिंग सब्सटेंसेस, कुछ सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे जो अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट करेंगे इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीमेन। और मैंने आपको बताया कि तीसरी कैटेगरी हो सकती है एक्सटर्नल जेनिटेलिया की। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मैंने आपको बताया कि मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन, जिसको हम लोग पेनिस बोलेंगे, ये
ट्रांसफर ऑफ गैमेट यानी इंसेमिनेशन में एट द टाइम ऑफ पॉपुलेशन हेल्प करेंगी। तो ये सारे के सारे तीनों की तीनों कैटेगरी आ जाएंगे, किसमें? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। अब हम लोग एक एक करके इन सारे ऑर्गन्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स या फिर कह सकते हैं गोनेट्स को। तो ये एक फ्लो चार्ट मैंने आपके सामने रखा था जो आपको हेल्प करेगा ये समझने में कि कौन कौन से ऑर्गन मेल बॉडी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होंगे और कौन डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा इन द प्रोसेस ऑफ गैमेट प्रोडक्शन। तो इसके बेसिस पे हम दो कैटेगरी पढ़ चुके हैं और फर्स्ट कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं यानी कि हम बात करने वाले हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। मैंने आपको बताया कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग और क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे गोनेट्स। एक बहुत सिंपल बात आप समझ लीजिए कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होंगे ये दो चीज बनाएंगे। जस्ट मेक इट सिंपल, एक बहुत सिंपल वे में आप समझिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो हैं जो दो काम करेंगे। कौन से दो काम? एक तो ये बनाएंगे गैमेट्स ऑफ द सेक्स, उस सेक्स का ये गैमेट बनाएंगे, और दूसरी चीज इट ऑल्सो सिंथेसाइजेस सेक्स हॉर्मोन्स। ये सेक्स हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि अगर हम गैमेट की बात करें तो मेल गैमेट्स को हम लोग बोलते हैं स्पर्म्स बोलते हैं मेल गैमेट्स को, और अगर हम मेल सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं, मेल सेक्स हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं, तो मेल सेक्स हॉर्मोन का एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन। इसमें ढेर सारे मेल सेक्स हॉर्मोन्स होंगे और जो मेन हार्मोन होगा एंड्रोजन का, इसको हम लोग बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो ये दो बातें मैंने आपके सामने करी। मैंने आपको बताया कि मेल सेक्स ऑर्गन्स या गोनेट्स वो होंगे जो ये दो काम कर रहे होंगे, गैमेट बना रहे होंगे उस सेक्स का और उस सेक्स का हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होंगे। बिल्कुल बहुत सिंपल भाषा में इसको समझ लीजिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनेट वो हैं जो दो काम कर रहे हैं। पहला काम गैमेट बना रहे होंगे उस सेक्स का गैमेट्स बना रहे होंगे, और दूसरा काम कर रहे होंगे कि उस सेक्स का ये हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होंगे जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेक्स हार्मोन। इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि अगर हम मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो मेल गैमेट बना रहे होंगे स्पर्म जिसको बोल रहे हैं, और मेल सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे होंगे, एंड ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स को बहुत सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल डेरिवेटिव या कोलेस्ट्रॉल से बने हुए होते हैं, तो इनको हम लोग ग्रुप ऑफ मेल सेक्स हार्मोन्स को क्या बोल रहे हैं, एंड्रोजन। और एंड्रोजन कैटेगरी का जो मेन हार्मोन है उसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्टोस्टेरोन। अब एक बेसिक बात समझिए, ये जो टेस्टोस्टेरोन है या ये जो एंड्रोजन है या ये जो मेल सेक्स हार्मोन है, तो मेल सेक्स हार्मोन के ग्रुप को हम लोग एंड्रोजन बोल रहे हैं और मेन जो एंड्रोजन है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन। ये जो टेस्टोस्टेरोन है ये हेल्प करेगा, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, या हम कह सकते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में इसका इंपॉर्टेंट रोल होगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन आप ये समझ लीजिए कि ये जो टेस्टोस्टेरोन है, ये टेस्टोस्टेरोन जो है ये रेगुलेट करेगा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो मैंने आपको ये बताया कि ये जो एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन का ये जो मेन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, ये स्पर्म प्रोडक्शन में हेल्प करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, और दूसरा मेन फंक्शन इसको हमने बताया, इट आल्सो रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, उनके डेवलपमेंट को क्या करेगा, ये रेगुलेट करेगा। जैसे कि मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की हम बात करें तो दाढ़ी मूछे जो होती हैं, बियर्ड एंड मुस्टैसेस के डेवलपमेंट को ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। इसी तरीके से जो मोटी आवाज है, थोड़ा सा हैवी वॉइस है, लो पिच वॉइस, जो लैरिंग्स है ये मोर प्रोमिनेंट होगी जिसको हम लोग एडम्स एप्पल बोलते हैं, शोल्डर्स थोड़ा ब्रॉड होंगे, चेस्ट पे हेयर्स होंगे ना, इस तरीके से जो पेल्विक रीजन है ये थोड़ा सा नैरोवर होगा कंपैरेटिवली, और एग्रेसिवनेस ज्यादा होगी, BMR ज्यादा होगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा,
इन सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, एक्सटर्नल फीचर्स को हम लोग देख करके बड़ी आसानी से मेल मॉर्फोलॉजी को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था इसके लिए, तो मैंने आपको बताया कि टेस्टोस्टेरोन का दो मेन फंक्शन है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस में, और इट ऑल्सो रेगुलेट्स द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन केस ऑफ मेल जो होंगे उनको आपको मैंने लिस्ट किया, जिनको देख करके आप जो मेल मॉर्फोलॉजी है इसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो जस्ट सिंपल थिंग हमें समझ में आ गई कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनेट्स वो होंगे जो ये दो काम कर रहे होंगे। कौन से दो काम? उस गैमीट का, उस सेक्स का गैमीट बना रहे होंगे और उस सेक्स का हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे होंगे। अगर हम मेल की बात कर रहे हैं तो सेक्स, मेल सेक्स का जो गैमीट होगा इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्म, और मेल हार्मोन का जो ग्रुप है, जो मेल सेक्स हार्मोन का ग्रुप है, इसको हम लोग बोल रहे हैं एंड्रोजन। एंड्रोजन में बहुत सारे हार्मोन आ जाएंगे, जैसे कि जो मेन हार्मोन है एंड्रोजन कैटेगरी का उसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्टोस्टेरोन, इसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्टोस्टेरोन। डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन वगैरह होंगे उसको हमें नहीं बात करनी है, लेकिन मेल सेक्स हार्मोन जो है, मेन एंड्रोजन जो है, इसको हम लोग बोल रहे हैं टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन के दो मेन फंक्शन है, स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने आपको बताया कि ये रेगुलेट करेगा डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, और इन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को देख करके हम लोग मेल मॉर्फोलॉजी को बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं। और ये जो मेन, या फिर हम ये ऐसे बोले, समझ लीजिए कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जो गोनेड्स हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि इनकेस ऑफ मेल गोनेड्स आर टेस्टिस। तो हम लोग बात करने वाले हैं मेल सेक्स ऑर्गन की, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गोनेड। और जो गोनेड है मेल के केस में क्या है, टेस्टिस। ये क्या होते हैं, टेस्टिस। तो हम लोग बात करने वाले हैं किसके लिए, टेस्टिस के लिए। किसके लिए बात करने वाले हैं, टेस्टिस। और टेस्टिस है क्या, मेन, या कह सकते हैं कि ये मेल सेक्स ऑर्गन है या गोनेड है। तो हम लोग बात करेंगे मेल सेक्स ऑर्गन की, और मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेस्टिस। तो मैंने यहां पे देखिए स्पेलिंग लिखा है TESTIS, या फिर इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, TESTES। तो दोनों करेक्ट है, ये एक के लिए यूज की जा रही है, सिंगुलर टर्म है, ये दो या दो से ज्यादा के लिए यूज किए जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, प्लूरल। तो एक होगी तो इसको हम लोग बोलेंगे टेस्टिस, एक से ज्यादा होगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दो होगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टेस्टीज। तो दोनों सही है, एक सिंगुलर टर्म है, ये क्या है, प्लूरल टर्म है। तो टेस्टीज क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन है, या फिर कह रहे हैं कि मेल गोनेड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, टेस्टीज या टेस्टिस। एक होगी तो टेस्टिस, दो होंगी तो क्या बोलेंगे, टेस्टीज बोलेंगे। दो से ज्यादा भी हो सकती है, पॉलीऑर्गेनिज्म कंडीशन होती है, हमें उतना डिटेल नहीं पढ़ना है। एक भी हो सकती है, मोनोऑर्गेनिज्म बोलते हैं, लेकिन अभी हमको आइडियल कंडीशन में ये देखना है कि ह्यूमन मेल में सिर्फ दो टेस्टिस होती हैं। अगर एक के लिए हम लोग बोल रहे हैं तो टेस्टिस बोलेंगे, दो के लिए बोल रहे हैं तो प्लूरल टर्म यूज करेंगे, टेस्टीज, जो कि मेल गोनेड है। इन केस ऑफ ह्यूमन, और भी कैसे, इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द मैमल्स टेस्टिस आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। मैंने आपके सामने एक टर्म बोला है, दैट इज एक्स्ट्रा एब्डोमिनल का मतलब एब्डोमिन के बाहर। द मीन इज दैट टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन अ हैंगिंग पाउच लाइक स्ट्रक्चर। ये इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में एब्डोमिनल एक्सटेंशन होगा, जो एक कैविटी या पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होंगे दो टेस्टिस। और इन एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पाउच लाइक जो कैविटी है, जो एब्डोमिन का एक्सटेंशन है, एक्चुअली इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्रोटम। तो एक बेसिक बात मैंने आपको बताया कि टेस्टिस की लोकेशन क्या है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एब्डोमिनल एक्सटेंशन में एक हैंगिंग पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, बिटवीन टू लेग्स, बिटवीन थाइस, वहां पे प्रेजेंट होगा टेस्टिस। और उस पाउच को हम लोग क्या बोल रहे हैं, उस हैंगिंग पाउच को क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम, या स्क्रोटल सैक भी बोल सकते हैं। उसमें प्रेजेंट होगा टेस्टिस, दोनों के दोनों। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई डज इट सो हैपन
क्यों ऐसा है कि स्क्रोटम में यानी एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक हैंगिंग पाउच नेचर ने बना दिया है और उसमें रख दिया है टेस्टिस को, ऐसा क्यों कर रहा है नेचर? तो इसका सिंपल सा आंसर है, स्क्रोटम मेंटेन्स 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। मैंने आपको बताया कि टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी प्रेजेंट है एक हैंगिंग पाउच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम। फिर ये हमने आपको बोला कि क्यों नेचर ने ऐसा किया कि एब्डोमिन से बाहर रख दिया एक अलग से पाउच में स्क्रोटम में, किसको, टेस्टिस को। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि स्क्रोटम के अंदर जो कोर बॉडी टेम्परेचर है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, उससे 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कंपैरेटिवली क्या होता है, कम होता है। और ये टेम्परेचर, ये लोअर टेम्परेचर, ये 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी कोर बॉडी टेम्परेचर से जो कम टेम्परेचर है, ये एक प्राइम रिक्वायरमेंट है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, या हम कह सकते हैं कि इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए ये एक प्राइम रिक्वायरमेंट है कि टेम्परेचर स्लाइटली क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस जो कोर बॉडी टेम्परेचर है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो समझ आ गया होगा आपको कि ऐसा क्यों किया गया कि स्क्रोटम में रखने की जरूरत पड़ी, क्या ऐसी जरूरत पड़ी। मैंने आपको बताया कि स्क्रोटम में 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कोर बॉडी टेम्परेचर से क्या होता है, लोअर टेम्परेचर होता है, जो कि एक प्राइम फिजिकल रिक्वायरमेंट है इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस की। मैं तो ये कह रहा हूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के अलावा मैच्योरेशन, स्टोरेज, सर्वाइवल ऑफ द स्पर्म के लिए भी टेम्परेचर क्या चाहिए, कंपैरेटिवली 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कोर बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि नेचर ने इसलिए स्क्रोटम में टेस्टिस को प्लेस किया है, क्योंकि उसमें 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, और ये एक प्राइम रिक्वायरमेंट है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस से, इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। ये बात आपको समझ आ गई। तो इसीलिए डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि बहुत ज्यादा टाइट अंडर गारमेंट्स नहीं पहनने चाहिए। जो चिमनी वर्कर्स होते हैं, जो भट्टों पे ईंट पकाते हैं, या फिर जो हैवी व्हीकल्स ड्राइव करते हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, जो लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, बहुत दूर तक ड्राइव करना होता है, तो इनकी टेस्टिस जो है ये एक्सपोज्ड होती है कॉन्टिन्यूसली टू द हायर टेम्परेचर, तो वहाँ पे इफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाती है। धीरे धीरे जो स्पर्म काउंट है वो क्या होता जाता है, रिड्यूस होता चला जाता है। तो ये सारे रीजन है कि जो स्क्रोटल सैक है ये लेस या लोअर बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है फॉर द अफेक्टिव स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इतनी बात तो सबको पता होती है, ये बेसिक बात है, क्लास 10 से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। अब मैं एक बहुत अच्छी बात या बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं कि या आपसे पूछता हूं। पहली चीज तो आपको यह समझ आ गई कि स्क्रोटम में टेम्परेचर कोर बॉडी टेम्परेचर से, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम मेंटेन किया जाता है। तो क्या ऐसा अरेंजमेंट है, क्या ऐसा स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है स्क्रोटल सैक के अंदर या स्क्रोटम के अंदर जिसकी वजह से टेम्परेचर कम है, मुझे लग रहा है आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि स्क्रोटम सैक में या स्क्रोटम में टेम्परेचर कम है, ये मैं मान रहा हूं, लेकिन क्या ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ऐसी व्यवस्था है स्क्रोटम के अंदर जिसके वजह से लोअर बॉडी टेम्परेचर या बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम मेंटेन किया जा सकता है स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक के अंदर। तो इसको आप ऐसे समझिए, सपोज ये क्या है स्क्रोटम है, एक बैग या सैक लाइक स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्क्रोटम बोल रहे हैं। तो ये जो स्किन है स्क्रोटम की, ये स्क्रोटम की जो स्किन है, इसके जस्ट बिनीथ द स्क्रोटम स्किन, यहां पे एक सब क्यूटेनियस स्पेशलाइज्ड मसल प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया कि ये एक सैक लाइक या पाउच लाइक एक्सटेंशन है एब्डोमिनल कैविटी का, जिसको हम लोग स्क्रोटम बोल पा रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो ब्लैक कलर वाली लाइन है, ये स्क्रोटम की एक्सिस स्किन है, और जस्ट बीनीथ द स्किन, यहाँ पे जस्ट बिलो द स्किन, यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड सबक्यूटेनियस का मतलब होता है स्किन के जस्ट नीचे, जस्ट बीनीथ द स्किन, यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड सबक्यूटेनियस मसल प्रेजेंट है, और इस सबक्यूटेनियस मसल को मैं बोल रहा हूं डार्टोस
मसल, इसको मैं बोल रहा हूं डार्टोस मसल। अब ये जो डार्टोस मसल है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सबक्यूटेनियस स्पेशलाइज्ड डार्टोस मसल जस्ट बीनीथ द स्किन ऑफ स्क्रोटल सैक, ये जो स्किन है स्क्रोटल सैक की, ये हाईली रिगोस हो जाती है, कॉन्विल्यूटेड हो जाती है, यानी कि इसमें इनफोल्डिंग्स बन जाती हैं, ये हाईली फोल्डेड हो जाती है, इस तरीके से ये क्या हो जाती है, फोल्डेड हो जाती है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डार्टोस मसल, ये डार्टोस मसल जस्ट बीनीथ द स्क्रोटल स्किन, जो ये डार्टोस मसल प्रेजेंट है, इस डार्टोस मसल के प्रेजेंस की वजह से जो स्क्रोटम की स्किन है ये हाईली रिगोस हो जाएगी, कॉन्वोल्यूटेड हो जाएगी, इसमें कई सारे क्या बन जाएंगे, फोल्डिंग्स बन जाएंगी। यानी आप समझ सकते हैं कि अगर ये सीधी स्किन होती, स्ट्रेट स्किन होती, तो इसका एक अपना सरफेस एरिया होता, लेकिन अगर हम इसको कॉन्वोल्यूटेड कर दे रहे हैं, फोल्डेड कर दे रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस स्किन का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इनॉर्मसली इंक्रीज हो जाएगा। इस बात को समझिए ध्यान से, तो फोल्डिंग्स अगर बना देंगे, एक सीधी लाइन होगी तो उसका एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको इस तरीके से घुमाते हुए लेके आ रहे हैं, फोल्डिंग्स बनाते हुए लेकर के आ रहे हैं। तो फोल्डिंग्स अगर हम बना रहे हैं तो थोड़ा सा और ज्यादा एक्सटेंशन हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्किन का ना, यानी सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अब ध्यान से समझिए, ये कैसे थर्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा, टेम्परेचर को कैसे रेगुलेट करेगा, ये डार्टोस मसल का क्या स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, डार्टोस मसल का क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो थर्मो रेगुलेशन में हेल्प कर रहा है। तो पहली चीज तो समझ आ गई कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डार्टोस मसल, जो स्किन है स्क्रोटल सेल की, ये क्या हो जा रही है, हाईली रिगोस, कॉन्वोल्यूटेड या फोल्डेड हो जा रही है, जिसकी वजह से सर्फेस एरिया बढ़ जा रहा है। ठंडी में जब बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है तो ये डार्टोस मसल जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो स्क्रोटम विल पुल्ड अप टूवर्ड्स द एब्डोमिन कैविटी। ये हमने आपको बताया कि ठंडी में जब टेम्परेचर बाहर का ज्यादा है, बाहर का बहुत कम है, ठंडियों में जब टेम्परेचर बाहर का क्या है, बहुत कम है, तो डार्टोस मसल क्या कर जा रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर जा रही है। तो अगर बाहर का इन्वायरमेंटल टेम्परेचर, एक्सटर्नल टेम्परेचर बहुत कम है या कम है, तो डार्टोस मसल में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिसकी वजह से स्क्रोटल सैक क्या, स्क्रोटम क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा और पुल्ड हो जाएगा ऊपर की तरफ टुवर्ड्स द एब्डोमिन कैविटी, और वहां से क्या लेने लगेगा, हीट लेने लगेगा, यानी कह सकते हैं कि टेम्परेचर को क्या करेगा मेंटेन करेगा। और अगर सरफेस अगर सिकुड़ जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, तो सरफेस एरिया भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो हीट लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि हीट एक्सचेंज इज द फिनोमेनन ऑफ सरफेस एरिया, फंक्शन ऑफ सरफेस एरिया, हीट एक्सचेंज सरफेस एरिया का फंक्शन है। तो सरफेस एरिया ज्यादा तो हीट लॉस ज्यादा, सरफेस एरिया कम तो हीट गेन लॉस क्या होगा, कम होगा, एक्सचेंज हीट का क्या होगा, कम होगा। और जब गर्मियों में टेम्परेचर बाहर का ज्यादा है तो ये डार्टोस मसल क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी एंड स्क्रोटम विल डैंगलिंग डाउन अवे फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी से दूर चला जाता है ताकि बॉडी की हीट ना मिल पाए उसको। और दूसरी चीज, जब ये फैल जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा, तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, यानी हीट एक्सचेंज तेजी से करने लगेगा और टेम्परेचर को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से डार्टोस मसल का इंपॉर्टेंट रोल है इन थर्मो रेगुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल में या टेम्परेचर रेगुलेशन में। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो अपवर्ड पुलिंग हो जाएगी, बॉडी से हीट लेने लगेगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, हीट एक्सचेंज कम हो जाएगा। बाहर का टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो जो स्क्रोटल सैक है ये एक्सपेंड हो जाएगा, मूव करेगा अवे फ्रॉम द एब्डोमिन और बॉडी से हीट लेना बंद कर देगा और हीट एक्सचेंज करना शुरू कर देगा, लॉस करना शुरू कर देगा हीट का, ताकि क्या हो सके, इसके अंदर कम टेम्परेचर मेंटेन हो सके, टेम्परेचर क्या हो सके, लोअर हो सके, कम हो सके। दूसरी चीज, ये जो स्किन है स्क्रोटम की, स्क्रोटल सैक की, यहां पे बहुत सारी स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती हैं, स्वेट ग्लैंड्स, जो कि स्वेट सिक्रीट करती हैं, पसीना बनाती हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं। और जो स्वेटिंग है, स्वेटिंग एक तरीके का क्या है, स्वेटिंग इज इवेपोरेशन एंड इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। अगर स्वेटिंग हो रही है, पसीना निकल रहा है स्किन से, तो इवेपोरेशन है और इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग। इवेपोरेशन क्या कर रहा है, कूलिंग कॉज कर रहा है, ठंडा कर रहा है। तो बेसिक दो अरेंजमेंट मैंने आपको बताया, जो टेम्परेचर क्या करता है, कम रखने में हेल्प करता है, कम
मेंटेन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो प्रेजेंस ऑफ डॉटरस मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होकर के थर्मोरेगुलेशन में हेल्प करेंगी, टेम्परेचर कंट्रोल करेंगी और बहुत सारी ये जो पिगमेंटेड स्क्रोटम की क्या है स्किन है इसमें बहुत सारे स्वेट ग्लैंड हैं और स्वेट ग्लैंड स्वेटिंग करेंगी, स्वेटिंग इज एवेपोरेशन एंड इवेपोरेशन लीड्स टू कूलिंग, ये क्या करेगा कूल करेगा, यानी कि कह सकते हैं कि टेम्परेचर को क्या करेगा ये कम करेगा। इस तरीके से टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है किसमें, स्क्रोटल सैक के स्क्रोटम में। और आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे पैपनीफॉर्म प्लेक्सस